ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये हमारा टेक न्यूज का 207 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्ष वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड। दोस्तों बात करें आज की पहली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी साउमी की तरफ से। साउमी के आने वाले एक और नई डिवाइस से रिलेटेड लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली तौर पे दोस्तों साउमी का जो आने वाला फ्लैगशिप डिवाइस है साउमी MI8 और MI8SE, नॉर्मली तौर पे जैसे कि आपको मालूम होगा इन डिवाइसेस को पहले ही चाइना के अंतर्गत लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन ऐसी जानकारी देखने को मिल रही है कि नॉर्मली तौर पे ये जो डिवाइसेस है बहुत ही जल्दी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में भी पेश किया जाएगा। रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है जिसके माध्यम से पता चलता है कि इस महीने के अंत तक इस डिवाइस को भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है ताइवानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एसुस की तरफ से। दोस्तों एसुस ने अपने एक और नए डिवाइस एसुस जेनफोन 5Z को भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया। मैं आपको बता दूं इस डिवाइस को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जहां पे आपको देखने को मिलता है 6GB की रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, 6GB की रैम 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ और 8GB की रैम 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। जो प्राइस है वो है 29,999 रुपया, 32,999 रुपया, 36,999 रुपया। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है 6.2 इंचेस की 18:7:9 वाला डिस्प्ले। इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, एंड्रीनो का 630 GPU। इस डिवाइस में आपको 12+8 megapixel का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 8 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तकरीबन 3300 mAh के आसपास की बैटरी भी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। और ये जो डिवाइस है यहाँ पे आपको कस्टम UI देखने को मिलती है जो है जेन UI 5.0। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो के सबनन मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों मोटोरोला के आने वाले एक और नए डिवाइस मोटोरोला वन पावर से रिलेटेड लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली तौर पे इस डिवाइस के लॉन्च होने से पहले ही इस डिवाइस का जो इमेज है वो सामने निकल के आ गया है, अर्थात लीक होकर सामने आ गया है। नॉर्मली तौर पे इमेज को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला डिवाइस है इसमें आपको नॉच देखने को मिलेगा। अगर इस डिवाइस में नॉच देखने को मिलता है तो मोटोरोला की ओर से आने वाला ऐसा पहला डिवाइस होगा जहां पे आपको नॉच देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी साउमी की तरफ से। दोस्तों साउमी के आने वाले एक और नई डिवाइस साउमी MI Mac 3 से रिलेटेड लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रहा है। नॉर्मली तौर पे इस लीक्स और रूमर्स के आधार पे बताया जा रहा है कि आने वाला जो साउमी MI Mac 3 है इसका रिटेल बॉक्स कुछ इस प्रकार का होगा, अर्थात इस डिवाइस का जो बॉक्स है वो लीक होकर सामने निकल के आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यही है इस डिवाइस का बॉक्स। नॉर्मली तौर पे दोस्तों अभी भी कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, कंफर्मेशन डेट निकल के नहीं आया है कि इस डिवाइस को कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस डिवाइस को इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऑनर की तरफ से। दोस्तों ऑनर ने अपने एक और नए डिवाइस Honor 10 GT को लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस डिवाइस को फिलहाल के लिए लोकल स्मार्टफोन मार्केट यानी कि चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी उसने अपने लोकल स्मार्टफोन मार्केट चाइना में ही लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं इस डिवाइस का जो खरीदने के लिए उपलब्ध होगा बिक्री वो तकरीबन 24 जुलाई से या फिर 25 जुलाई से हो सकता है। ये जो डिवाइस है Honor 10 GT वो GPU टर्बो टेक्निक से लेस है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है ताइवानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Asus की तरफ से। दोस्तों Asus का जो नया डिवाइस है Asus ZenFone Max Pro, इसका जो 6GB RAM वेरिएंट है Asus की ओर से कंफर्मेशन निकल के आया है। ये जो डिवाइस इसका जो सेल स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है जुलाई 2018 में। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi के आने वाले एक और नए फ्लैगशिप डिवाइस Xiaomi MI Mix 3 से रिलेटेड लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली तौर पे लीक निकल के आया जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो आने वाला डिवाइस है उसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और नॉर्मली तौर पे ये जो डिवाइस है सितंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है। दोस्तों आज की अंतिम खबर की बात करें, तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Huawei के सब ब्रांड Honor की तरफ से। दोस्तों अगर आप लोग हैं Honor 6X यूजर तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि Honor 6X में देखने को मिला है एक और नया अपडेट। जो नॉर्मली तौर पे ये जो अपडेट है वो है जून के सिक्योरिटी पैच लेवल को लेके। आपके डिवाइस में अपडेट आ गया है, आप Honor 6X यूजर हैं तो अपडेट कर लीजिए अपने डिवाइस को। उम्मीद करता हूं आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी पर प्रसारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।